जंगल में मुर्गी बच्चे निकाल कर बच्चों को चरा रही थी ये मुर्गी। एक दफ़ा एक आदमी फेरी लगाने वाला बोले उसे बच्चे बेचने वाला एक जंगल से गुजरा था। उसके पिंजरे में से ये मुर्गी छोटी सी थी, गिर पड़ी थी जंगल में। ये आते थे चाटोल कर एक बाइक पर चढ़ कर बैठ जाते थे। उसे करते करते ये बड़ी हो गई, उसने अंडे देने शुरू कर दिए, फिर बच्चे निकाले। इसको और जंगल के सारे रास्तों का पता था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से यहाँ रह रही थी। वो छोटी सी थी जब पेरी बने के पिंजरे से गिरी थी, और यहाँ बड़ी हुई, यहाँ उसने अंडे दिए, यहीं बच्चे निकाले। उसको इस रास्ते का, इस जंगल के सारे रास्तों का अच्छे तरीके से पता था। उसने अंडे ले लिए, बच्चे निकाले, बच्चों को लेकर चराने के लिए बाहर निकली। और आगे से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली बच्चों के दुश्मन होती है। बिल्ली की कोशिश थी कि बच्चों को पकड़ना। मुर्गी और बिल्ली आमने सामने आ गई। उसने कहा, मुझे मालूम है तू मेरे बच्चों के दुश्मन है, मेरे बच्चे उठाएगी। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं तेरे बच्चे उठाती, मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरे तुम्हारा हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तो इनकी हिफाजत करूँगी तुम्हारे साथ मिलकर। लेकिन बिल्ली के दिल में कोई ऐसा विषय नहीं आ रहा ताजना था जो उसके बच्चों को नुकसान दे। उनके बच्चों से उनके बच्चे लेकर उसको भी तरस आ गया था। बिल्ली और मुर्गी आपस में गुफ्तगु दोस्ती का पैगाम दे रही थी कि हम दोनों दोस्त बन गए। मुर्गी ने सोचा, अगर ये मेरी दोस्त बन जाती है तो बाकी बिल्लियों को भी ये रोक सकेगी, और मेरे बच्चे महफूज रह सकेंगे। मैं सोचा था बच्चे अपनी माँ से पूछना, ये माँ ये कौन है, सीधा बना ये खतरनाक बिल्ली है जो हमें पकड़ कर जा लेते हैं, और ये दोस्ती की फील कर देंगे। मुझे नहीं कहा उसके साथ दोस्ती निभा लो, ये हमारी हिफाजत करेगी, हम उसके साथ दोस्ती निभाएंगे। मुर्गी ने कहा, ठीक है हमारी दोस्ती हो गई। और बिल्ली नीचे बैठ गई, और बिल्ली ऐसे हम दोस्त हैं। मैं तो ना किसी के संग नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और ना किसी को पहुँचाने दूँगी, ऐसे हम दोस्त हैं। ये जंगल में मंजिल पर खाने पीएंगे और हंस के हल्के गुजारेंगे। इत्तेफाक में बरकत होती है, मन झुन करेंगे अपने समझेंगे। मुर्गी और बिल्ली की आपस में दोस्ती होंगी, जंगल में चल चल कर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। बच्चे क्योंकि रात को नहीं चढ़ सकते थे, मुर्गी तो रात में चढ़ सकती थी, मुर्गी भी अब नीचे बैठ